कोशिश तो ये की जा रही है कि जनता के पास संदेश ये जाए कि इंडिया गठबंधन एकजुटता की मिसाल पेश कर रहा है, कोई भी टूट नजर नहीं आ रही और ये गठबंधन मिलकर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती देता है। फैंसी बातें कभी तो प्रियंका गांधी कभी भी चुनावों में नहीं उतरी और पहली बार में अगर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो मेरे ख्याल में उनके लिए अच्छा नहीं होगा आवाज के लिए, क्योंकि पीएम मोदी जो मजबूत छवि के नेता। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कॉल। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बनी इंडिया गठबंधन की हाल ही में एक बैठक संपन्न हुई और उस बैठक में जो कई सवाल उठ रहे थे उनमें से सबसे बड़ा सवाल वही था कि बैठक अब होने जा रही है, उस बैठक में जो 28 राजनीतिक दल अब विचार विमर्श करेंगे तो विचार विमर्श करके वे प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से किस नाम को आगे रखेंगे और क्या जो नाम आगे रखा जाएगा उस पर सभी के सभी दल एक साथ सहमति अपनी जता पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ भी और ऐसा नहीं भी हुआ। ये बात इसलिए कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन में जब यहाँ बैठक हुई तो बैठक में यहाँ ममता बनर्जी की टीएमसी ने, आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल ने और इन दोनों राजनीतिक दलों समेत करीब 12 राजनीतिक दलों ने इंडिया गठबंधन की ओर से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया है। लेकिन केवल उन लोगों ने यह नाम आगे नहीं किया, जिस तरह से इस नाम को आगे किया गया इसमें सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी की रही, क्योंकि उन्होंने यहां पर राहुल गांधी को नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे को तवज्जो दी। लेकिन इतना ही नहीं, इस बैठक के बाद जैसे ही ममता बनर्जी बाहर निकली और मीडिया कर्मियों से बातचीत की, मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किए तो ममता बनर्जी ने बाहर निकल के ये कह डाला कि वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनकर उतरना चाहिए। अब जैसे ही ममता बनर्जी ने ये बात कह डाली तो राजनीतिक गलियारों में यहां जो हलचल है वो और भी ज्यादा तेज हो गई। तेज इसलिए हो गई क्योंकि एक तरफ अगर पीएम के सामने पीएम के लिए इस पद के लिए अगर उम्मीदवार की बात की गई तो ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनके सबसे मजबूत वाराणसी सीट से उम्मीदवारी की बात आई तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ प्रियंका गांधी का नाम ले लिया। अब ऐसे में यहाँ कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह से प्रियंका गांधी को आगे ममता बनर्जी के द्वारा क्यों किया गया है, क्या इसकी वजह एक महिला नेता की है और अगर महिला नेता यहां पर एक बड़ी वजह मानी जा रही है तो ऐसे में यहां ममता बनर्जी खुद एक महिला है जो एक बड़ी नेता भी है और यहां 3 से भी ज्यादा बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी है, बावजूद उसके पीएम मोदी के सामने उन्होंने वाराणसी सीट पर प्रियंका गांधी का जिक्र किया और कई सवाल है जो इस बैठक के बाद कई सवाल है जो ममता बनर्जी के इस बयान के बाद उठ खड़े हुए हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने ही तमाम साथियों से लेंगे। सबसे पहले यहाँ हमारे साथी अमन जी से सवाल रहेगा। अमन जी, जिस तरह से यहाँ ममता बनर्जी ने बैठक के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया और बैठक से बाहर आगे बोलती है कि पीएम के सामने वाराणसी सीट पर प्रियंका गांधी आ गया है, तो दो नाम सुझा दिए, क्या मतलब क्या है, क्या संदेश क्या देना चाहती है ममता? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रियंका गांधी का उन्होंने जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि अभी तक प्रियंका गांधी कभी भी चुनावों में नहीं उतरी हैं और पहली बार में अगर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो मेरे ख्याल में उनके लिए अच्छा नहीं होगा आवाज़ के लिए, क्योंकि पीएम मोदी जो के मजबूत छवि के नेता हैं उनके सामने किसी का उतरना इस समय हार के बराबर ही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह दोनों बार जीत उन्होंने दर्ज की है और बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, तो ऐसे में जिस तरह का नाम सुझाया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी ये कह सकते हैं कि ममता की तरफ से एक कोशिश है, क्योंकि अगर ऐसा ही तो उनका खुद का नाम भी आगे लेकर आना चाहिए था कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी और प्रियंका का नाम आगे करके कहीं ना कहीं उन्होंने ये बता दिया है कि राजनीति को अलग ढंग से वो करने का प्रयास करा रही है, क्योंकि गठबंधन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले मीटिंग में वो खड़गे का नाम लेती है कि भाई आप पीएम पद के सबसे अच्छे इंसान हैं, आप ही को बनना चाहिए, लेकिन इन दोनों नामों के बीच में एक जो अहम नाम कांग्रेस पार्टी का है राहुल गांधी, उसका जिक्र कहीं भी वो नहीं करती है, तो ये माना जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी ने अब राहुल गांधी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, क्या वो नहीं चाहती कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह के सजेशन कांग्रेस पार्टी के लिए देना उनका कितना जरूरी है और क्या कांग्रेस पार्टी
अब इस तरह के बयानों पर, इस तरह की बातों पर क्या पलटवार करती हुई नजर आएगी? और अगर पलटवार होते हैं तो आपस में जो कह सकते हैं बेहतर संबंध है और जो एक मुहिम चल रही है कि भाई एक साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए, उसमें कहीं ना कहीं कोई अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक तीर और दो निशाने का काम किया है, तो उसमें कई तरह का आप कह सकते हैं कि चीजें निकल के सामने आ रही है। एक तरफ तो राहुल गांधी का जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल करियर है, जिस तरह से लगातार उनको कांग्रेस पार्टी रीलॉन्च करते चले जा रही है, लेकिन फिर भी कोई एक मुकाम उनको नहीं मिला है। तो ऐसे में क्या वो ये बताना चाहती हैं कि राहुल गांधी का करियर अब पॉलिटिकल लिहाज से खत्म हो गया है? और क्या वो ये बताना चाहती हैं दूसरी बात की क्या अब प्रियंका गांधी को आगे लेकर आना चाहिए? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि 2018 में जब कांग्रेस पार्टी 10-12 सीटों से कम रह गई थी गुजरात में, उस वक्त भी वहाँ के तमाम सारे नेताओं ने ये बात कही थी अगर यहाँ पर प्रियंका गांधी आती तो ये जो है जीत, जो हार है ये जीत में बदल गई होती। तो ऐसे में लगातार प्रियंका गांधी को आखिरी उम्मीद के तौर पर कांग्रेस पार्टी देख रही है। और वहीं ममता बनर्जी ने जो बात कही है उनकी बात अब किस तरह से कांग्रेस पार्टी में लिया जाता है, किस तरह से उनकी बात के ऊपर कमेंट किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जिस तरह ममता बनर्जी ने दो महत्वपूर्ण बयान दिए, उस दोनों ही बयानों में राहुल गांधी को दरकिनार करने का जिस तरह से उन्होंने कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देने वाला है। यहाँ पर झटका बिल्कुल देने वाला है। लगातार जिस तरह राहुल गांधी और उनके रिलॉन्च होने का जिक्र आ रहा है, तो जिस तरह से यहाँ आपने जिक्र किया कि कांग्रेस ने लगातार राहुल गांधी को रिलॉन्च किया है और मंच उनके लिए 2024 की लोकसभा चुनाव है, लेकिन उस मंच के लिए उन 28 दलों की सहमति ही राहुल गांधी के लिए चाहिए, जो मंगलवार को ही बैठक में कतई नहीं दिखी। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को पीएम चेहरे के लिए स्वीकार नहीं करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने नाम उनका रखा सामने, उससे पहले जिस तरह की खबरें हैं कि इस मुद्दे पर बात ही नहीं होने वाली थी, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद ही अपने आप पहल करते हुए उनका नाम आगे कर दिया खड़गे का। और एक तरीके से राहुल गांधी के ऊपर कोई सहमति या कोई बात ना हो, इसीलिए उन्होंने खड़गे का नाम पहले जो है सामने रखा। और उसके बाद लगातार जो 8-10 दल ऐसे थे जो लगातार खड़गे के सर के कह सकते समर्थन में आ गए। तो ऐसे में कई तरह की चीजें इसमें दिखाई दे रही है कि क्या ममता बनर्जी आने वाले दिनों में भी बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी भी नजर आ रही है। वो कह रही है कि भाई फटाफट से जो सीट शेयरिंग है उसको भी लेकर आप पहला जो फैसला है वो फाइनल करिए, और लगातार जो कह सकते हैं कि 3-4 महीने का वक्त चुनाव में बचा है तो उसको आप तुरंत फाइनल करके आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करिए। तो ऐसे में ममता बनर्जी जिस तरह के कदम उठा रही है, जिस तरह के बयान दे रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई राहुल के अलावा भी उनको कोई नए चेहरों की तरफ और खास अनुभव की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अब ये जो गेंद है वो कांग्रेस पार्टी के पाले में है। अब देखना होगा कि वो कैसे इस पे हिट करते हुए नजर आते हैं और किस तरह से ममता बनर्जी को जवाब देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ही देखना बहुत ही ज्यादा रोचक भी होने वाला है कि अब कांग्रेस इसे आगे किस तरह से लेकर के चलती है। यहाँ पर आगे चलने की बात हो रही है। नाज़नीन मेरे साथ, नाज़नीन से मैं सवाल लूंगा। नाज़नीन, नीतीश कुमार बैठक से उठकर चल दिए, लालू प्रसाद यादव बैठक से उठकर चल दिए, वजह रही खड़गे का नाम आगे कर दिया गया, नीतीश कुमार का नाम इंडिया गठबंधन में कहीं भी देखने को नहीं मिला। क्या इस तरह से बैठक छोड़ करके जाना, क्या इस सब के बाद इंडिया गठबंधन आगे चल पाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कई बार यहाँ पर जवाब यही दिया है कि इंडिया गठबंधन में ये तमाम दल आपस में ही जूझ रहे हैं, एक दूसरे से नाराजगी जाहिर तौर पर दिखाई दे रही है। कभी सीटों को लेकर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, तो कभी अब यहाँ पर पीएम चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं यही सारी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव तो यहाँ पर राहुल गांधी की शादी करवाने को लेकर किस तरीके से आगे आ रहे थे, और किस तरीके से आप देख रहे थे कि जब राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं तो यहाँ पर खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें दिखाती हैं कि कोशिश तो ये की जा रही है कि जनता के पास संदेश ये जाए कि इंडिया गठबंधन एकजुटता की मिसाल पेश कर रहा है, कोई भी टूट नजर नहीं आ रही, और ये गठबंधन मिलकर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती देता हुआ नजर आएगा। लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में उतारना चाहिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को आगे कर रही थी। उस वक्त राहुल गांधी का नाम चर्चाओं में था जब बिहार और महाराष्ट्र में एक बड़ी बैठक यहां पर इंडिया गठबंधन की देख रही थी, तो उस दौरान यहां पर खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही थी कि ना तो राहुल गांधी चाहते ना ही कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उतरे। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि हम तो जनता की सेवा करने के लिए, राहुल गांधी जननायक है,
तभी तो तमाम जगहों पर जाकर, तमाम राज्यों में जाकर लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन पीएम चेहरे को लेकर एक लड़ाई जो देखने को मिल रही, वाकई यहाँ पर सच है कि इंडिया गठबंधन में आपसी रंजिश है। अगर इसको खत्म नहीं किया गया तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव भी वो जीत नहीं पाएंगे, आपसी लड़ाई में ही रह जाएंगे। आपसी लड़ाई में ही रह जाएंगे। और राहुल गांधी जननायक है, जनता के नेता है, इसलिए पीएम के लिए उन्हें आगे मत कीजिए। क्या लगता है दौलत, पीएम के लिए आगे ना करें और खड़गे पर सहमति जता देगी कांग्रेस पर? यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ी कहीं ना कहीं सीनियरिटी के हिसाब से यहाँ पर खड़गे का विचार किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्रियंका गांधी का नाम यहाँ पर सामने आया तो एक नया ऑप्शन आ जाता है कि क्या उनकी पहली शुरुआत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने करवाई जा सकती है। क्या अगर महिला पीएम की बात हो तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को आगे लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बात सबसे पहले अनुभव की होगी तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के चांस यहाँ पर ज्यादा है अगर यहाँ पर इंडिया अलायंस जीत जाता है तो, क्योंकि यहाँ पर ये फैसला सुनते ही बीजेपी के लोग जो है पूरी तरीके से तमतमा गए हैं। लगातार यहाँ पर गिरिराज सिंह हो चाहे अन्य नेता हो कह रहे हैं हिम्मत है तो मोदी के आगे चुनाव लड़के दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को पता है कि उनका फाउंडेशन कितना मजबूत है और यहाँ पर इंडिया अलायंस सिर्फ आपस की लड़ाई में जो है फंसा हुआ है। हर मीटिंग में एक नया नेता नाराज हो जाता है, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल नाराज हुए, फिर यहाँ पर हमने देखा अमर अब्दुल्ला नाराज हुए क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया गया, अरविंद केजरीवाल का ईडी के साथ साथ ही दिया गया। फिर हमने यहाँ पर नीतीश कुमार को देखा कि पोस्टर छपे थे कि अगर जीत चाहिए तो नीतीश निश्चय है, तो उसका समर्थन नहीं किया। पहले आपस की लड़ाई यहाँ पर खत्म करें, फिर यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी है उनके मैनेजमेंट से तभी लड़ पाएंगे, वरना आपस में लड़ते रह गए तो मैनेजमेंट आपको कब कुचल के चला जाएगा शायद इंडिया अलायंस को पता नहीं चलेगा। यहाँ पर आपस की लड़ाई से पार पाना होगा तभी बीजेपी को हरा पाएंगे, तभी 2024 के लिए सीटों का वितरण कर पाएंगे। सीट वितरण की बात चली है तो अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी यूपी की 80 सीटों से होकर के गुजरता है। 80 सीटों की बात चली है तो अखिलेश यादव कह चुके हैं कि 65 सीटें हम रखने वाले हैं और 15 सीटें हम रालोद RLD और यहाँ अन्य दलों के लिए छोड़ देंगे। यहाँ अब्रार से सवाल रहेगा, अब्रार 80 सीटें यूपी में है, 65 अखिलेश खुद के लिए कह रहे हैं और बची जो 15 सीटें अखिलेश ने छोड़ी है उन 15 में से 12 पर RLD अपना दावा ठोक रही है, अब क्या 3 पर कांग्रेस लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है इस समय उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया था पिछली बार लड़कियों लड़ सकती हूँ, उस नारे का क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर सीटों को लेकर के दावे कर रही है तो उन्हें सबसे पहले अपनी राजनीतिक मजबूती जो है उत्तर प्रदेश में साबित करनी पड़ेगी। और जहां तक सीट शेयरिंग को लेकर के अखिलेश के दावे हो या फिर अन्य चेहरों के दावे, अखिलेश यादव की भी वो स्थिति नहीं है कि वो 65 जो है 60 सीटों पर वहाँ पर चुनाव लड़े, क्योंकि अगर इन सीटों पर वो चुनाव लड़ती है तो बाकी की जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहेगी वहाँ पर, और तमाम अन्य दल जो है वो भी चुनाव लड़ना चाहेंगे क्योंकि लोकसभा की सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, तो इस मामले पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंतन मंथन करके फैसला लेने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो ये दिल्ली दूर जैसी बातें हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है नाम को रखने के बाद ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन पर ग्रहण सा छा गया है और कोई भी नेता किसी भी जो है हल तक नहीं पहुंच पा रहा है। बैठकें चल रही है, घंटों घंटों बैठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मामला जो है वो हल होता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है बल्कि तमाम अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी स्थिति बिल्कुल उस तरीके की हो सकती है, चाहे महाराष्ट्र में भी NCP शिवसेना या अपने राग अलाप सकते हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पर खुद अब जो है अलग सीटों को लेकर के दावे कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी अगर मुख्य जो है विपक्षी दल होने के नाते अगर दबदबा चाहती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये जो अभी राज्य के चुनाव हुए थे इसमें अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहिए था, क्योंकि ये जो चुनाव के नतीजे होते वो सीधे तौर पर इफेक्ट डालते इंडिया गठबंधन के उन तमाम साथी दलों पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूँकि हारी है चारों राज्यों में एक राज्य में उनकी जीत हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो एक दावेदारी थी उसको भी एक बड़ा झटका लगा है। और यही वजह है कि कल की बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश किया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी मात्र इस नाम के या फिर इस चेहरे को आगे करके इस बात को टालना चाहती है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री की रेस में रहते हैं या फिर उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे किया जाता तो आप सोचिए कि 81 वर्ष जो है उनकी उम्र हो चुकी है। ऐसे में क्या ही हम जो है इस पूरे मामले को लेकर के आगे रणनीति विजन जो है इसको बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एकमात्र इस जो है फैसले को या फिर इस चर्चा को टालने के लिए चेहरे को आगे किया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को ही कांग्रेस पार्टी आगे करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी चर्चाएं कुछ भी चल रही हो
लेकिन आखिर में फैसला वही होता है जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होती है, और जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वही पार्टी जो है पीएम पद के लिए अपने फेस को आगे करेगी, और उसी के कहने के हिसाब से तमाम जो है रणनीति बाद में तय की जाएगी। सबसे ज्यादा सीटों की बात चल रही है यूपी में, ऐसी सबसे ज्यादा सीटें हैं, बात उस पे भी हो रही हमारी। उसी यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस की आज शुरू हो गए, जो 18 दिन चलने वाली है। क्या लगता है कि इन 18 दिनों में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस अपनी मजबूती कर पाएगी? देखिए, यात्रा भले ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक उत्साह देने के लिए, जो पार्टी के परंपरागत वोटर है उनको पार्टी के साथ जोड़े रखने के लिए एक अच्छी पहल जरूर है, लेकिन आपको चुनाव के समय पर मुद्दों के साथ खेलना पड़ेगा। आपको चुनाव के समय जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी कमियों को ले जाकर जनता के बीच दिखाना पड़ेगा, जनता को कन्विंस करना पड़ेगा। जनता अगर कन्विंस हो रही है आपके उन तमाम मुद्दों को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि आप चुनाव में जीत जरूर हासिल करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश से भी भारत जोड़ो यात्रा होकर के गुजरी थी, वहां पर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि ये होगा वो होगा और तमाम नेता जो है उस इंडिया के कांग्रेस में वापसी कर जाएंगे, लेकिन क्या हुआ वहां पर जो बुरी हार, एक बुरी हार होती है एक हार होती है, तो कांग्रेस पार्टी जो है बुरी हार का सामना की है तीनों राज्यों में। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कामों को लेकर के कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल वहां पर जरूर जीत दर्ज करेंगे, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले बार के अगर आंकड़ों को हम देखें जो है कांग्रेस पार्टी का रहा है, उससे यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अगर 4 से 5 सीटों पर भी जीत दर्ज कर ले तो वो बहुत ज्यादा होगा, अगर उस हिसाब से अगर लिहाज से हम बात करें तो। फिलहाल अगर अब कोई राजनीतिक हालात बदलेंगे या बदले हुए होंगे तो कांग्रेस पार्टी को जरूर इसका फायदा मिलता नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो यहाँ 28 राजनीतिक दल हैं, उन्हें अपनी आपसी जो यहाँ कलह चल रहा है तमाम दलों के बीच, उससे पार पाना होगा। जो स्थिति नजर आ रही है उससे कतई नहीं लग रहा कि वे पार पाते नजर आएंगे। एक और जहाँ यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया गया तो नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी दिखा दी। नीतीश कुमार का साथ यहाँ पर हाथ पकड़ते नजर आए। लालू यादव ने अपनी नाराजगी नीतीश कुमार के साथ दिखा दी। तो यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम यहाँ इंडिया गठबंधन में 12 राजनीतिक दलों ने आगे तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस भी फंस गई, क्योंकि कांग्रेस यहाँ राहुल गांधी को आगे करने का प्लान बना रही है, लेकिन यहाँ 12 दल यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर चुके हैं। तो यहाँ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अब अगर कांग्रेस राहुल गांधी को आगे करती है तो क्या जो 28 राजनीतिक है वे यहां राहुल गांधी का समर्थन करेंगे या नहीं? ये सवाल आप पर है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो राजनीतिक दल है उसमें से ज्यादा राजनीतिक दल राहुल गांधी का समर्थन पीएम फेस के लिए करेंगे या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN9।